न्यू स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है लाइसोसोम। आज हम लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लाइसोसोम इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बॉडीज। इसको डाइजेस्टिव बॉडीज इसलिए कहते हैं बिकॉज दे प्ले अ चीफ रोल इन डाइजेशन। सो कॉल्ड इज डाइजेस्टिव बॉडीज। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बॉडीज कहते हैं इसलिए बिकॉज दे प्ले अ चीफ रोल इन डाइजेशन। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सुसाइड बैग। इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज क्योंकि हमारे साथ हेल्प कर लेते हैं एंडोसाइटोसिस, एंगल्फिंग, ऑटोफेजी, एंड दे कैन ईट अवे द ओल्ड एंड डैमेज सेल। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बॉडीज कहते हैं बिकॉज दे प्ले अ चीफ रोल इन डाइजेशन। लाइसोसोम इट इज आल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग बिकॉज दे कैन हेल्प इन एंडोसाइटोसिस, एंगल्फिंग, ऑटोफेजी, एंड दे कैन ईट अवे द ओल्ड एंड डैमेज सेल और इटसेल्फ सेल। सो दैट इज कॉल्ड इज द सुसाइड बैग। एंड लाइसोसोम इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल इसलिए है क्योंकि अगर ये हमारे साथ एक मेम्ब्रेन है यहाँ पर वायरस एंड बैक्टीरिया मौजूद है हमारे साथ, तो फिर ये सुसाइड बैग इसकी क्या कर सकते हैं, गल्फिंग कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं, ऑटोफेजी कर लेते हैं। लाइसोसोम इसमें सब कुछ में फेल हो जाते हैं, ना इसमें गल्फिंग कर सकते हैं, ना ऑटोफेजी कर सकते हैं, तो फिर ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होते हैं, तो फिर यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होते हैं ये ब्लास्टिंग कर लेते हैं। सो इस ब्लास्टिंग की वजह से भी इसको हम नाम लेते हैं डिजीज आर कॉल्ड एज द सुसाइड बैग। लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, लाइसोसोम इट इज आल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग, एंड लाइसोसोम इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बॉडीज। Lysosome is present in both plant and animal cell, present in both plant and animal cell. In case of plant, अगर हम plant में देखें तो हमारे साथ एक scientist है जिसका नाम P. Metal. He reported lysosome and neurospora fungi. So in case of plant, lysosome is reported by the P. Metal and neurospora fungi. So the size of lysosome is 0.23 to 0.50 micron. This is the size of lysosome, 0.23 to 0.50 micron. And lysosomes, it is absent in prokaryote and absent in the mammalian RBC. प्रोकैरियोट में भी एब्सेंट होते हैं एंड देन मेमिलियम आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। एंड लाइसोसोम हैव अ राउंड एंड स्ट्रक्चर, लाइसोसोम इज राउंड इन स्ट्रक्चर। सो लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इन केस ऑफ प्लांट द साइंटिस्ट पी. मेटल इन न्यूरोस्पोरा फंगी, साइज ऑफ लाइसोसोम इज 0.23 टू 0.50 माइक्रोन, लाइसोसोम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड मेमिलियम आरबीसी।
लाइसोसोम इज एब्सेंट इन आरबीसी बट लाइसोसोम इज मोर इन अमाउंट इन डब्ल्यूबीसीएस व्हाइट ब्लड सेल. लाइसोसोम हमारे साथ आरबीसी में एब्सेंट होता है बट लाइसोसोम इज मोर इन अमाउंट इन आर डब्ल्यूबीसीएस. लाइसोसोम हमारे साथ मोर अमाउंट में होता है कहां पर डब्ल्यूबीसीएस में एंड आरबीसी आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होता है. सो लाइसोसोम इट इज आल्सो कॉल्ड इज पॉलीमॉर्फिक. Polymorphic. Poly means many. Morphic means form. Lysosome have a many forms of that's why lysosome it is also called as polymorphic. Lysosome is digestive bodies. पहले भी हमने discuss किया कि lysosome हमारे साथ digestive bodies हैं because they can play a chief role in digestion. डाइजेस्टिव बॉडीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन एंजाइम हमारे साथ मौजूद होता है. केमिकल कंपोजिशन अगर हम लाइसोसोम का देखें तो यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे साथ प्रेजेंट होता है. देयर आर डाइजेस्टिव एंजाइम नंबर वन एंजाइम इज एसिड फास्फेटेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मींस हाइड्रोलाइज deoxyribonucleic acid ribonucleic enzyme. Due to this digestive enzyme, they can help achieve food and digestion. So that's why this is called as the digestive body. लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बॉडीज कहते हैं क्योंकि इस एंजाइम की वजह से हम इसको डाइजेस्टिव बॉडीज कहते हैं. ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. दे हेल्प इन डाइजेशन. सो दैट्स व्हाई लाइसोसोम इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बॉडीज. लाइसोसोम इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक बिकॉज दे हैव अ मेनी फॉर्म. नंबर वन दे हैव अ प्राइमरी लाइसोसोम primary lysosome, secondary lysosome, residual body, and digestive vacuole. लाइसोसोम को हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज पॉली मींस मेनी, मॉर्फिक मीन फॉर्म्स. इसके मेनी फॉर्म कई फॉर्म होते हैं जस्ट लाइक प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी एंड डाइजेस्टिव वैक्यूल. इसके वजह हम इसको नाम देते हैं कि लाइसोसोम इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल. प्राइमरी लाइसोसोम मींस प्राइमरी लाइसोसोम्स. Primary lysosome is found in Golgi body. Golgi body में हमारे साथ एक प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्निया. When this system start budding, जब ये सिस्टर्निया हमारे साथ budding start कर लेते हैं, when budding is occur in सिस्टर्निया, जब सिस्टर्निया में budding अगर हो जाते हैं, this budding is called as the primary lysosome. और इस बडिंग को हम नाम देते हैं कि दिस आर नथिंग. दिस बडिंग इज कॉल्ड इज द प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम किस चीज को कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम इज फाउंड इन द गॉल्जी बॉडी. गॉल्जी बॉडी में हमारे साथ एक सिस्टर्निया होते हैं. जब ये सिस्टर्निया बडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, दिस बडिंग इज कॉल्ड इज द प्राइमरी लाइसोसोम. सेकंड वन हमारे साथ है सेकेंडरी लाइसोसोम. Secondary lysosome. Secondary lysosome, primary lysosome plus the digestive food or food. Primary lysosome plus food is called as the secondary lysosome. Secondary lysosomes के बाद हमारे साथ एक होता है. This is residual body. Residual body, secondary lysosome,
प्लस अनडाइजेस्टेड फूड। रेसिडुअल बॉडी इज इक्वल टू सेकेंडरी यूटिलाइजेशन प्लस अनडाइजेस्टेड फूड। सेकेंडरी यूटिलाइजेशन में अगर हम देखें कि कुछ फूड फूड हमारे साथ डाइजेस्टेड हो जाता है, बट सम फूड इज डाइजेस्टेड, सम फूड को छोड़ा कम असर डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन द रिमेन फूड इज अनडाइजेस्टेड और कुछ फूड हमारे साथ अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं। सो दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इज द रेसिडुअल बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड इज द रेसिडुअल बॉडी, और इस अनडाइजेस्टेड फूड को हम नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होते हैं, रेसिडुअल बॉडीज होती हैं। अब लास्ट वन हमारे साथ है वीक्यूल्स, डाइजेस्टिव वीक्यूल्स। ऑटोफेजिक वैक्यूल शो ऑटोलाइसिस आर दे शो द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स मीन दे हेल्प and the digestion of food. So car is the digestive vacuoles. So autophagic vacuoles show the autolysis. Autolysis means the digestive vacuoles and they help in the digestion of food. So that is called as the autophagic vacuole. और ये हमारे साथ थे four form of lysosome, जिसको हम इसको नाम देते हैं कि lysosome. It is also called as the polymorphic organelle. So इसके बाद lysosome में two form होते हैं. Lysosome में two form. Number one is stabilizer. And labelizer. Stabilizer means those substance which provide stability to the lysosome. Stabilizer means those substances which provide the stability to the lysosome is called the stabilizer, are those substances which do not allow to break the lysosome organelle. Lysosome's membrane called is the stabilizer. Example, Clostridium, etc. That is stabilizer. And labelizer, those substances which allow to break the membrane is called is labelizer. Example, vitamin A, B, C, D, E, etc. UV rays, ultraviolet rays, progesterone hormone, so that's etc. They can break the wall of membrane organelle of lysosome, so that is called is the labelizer. Stabilizer, those substances which provide the stability to the lysosome are do not allow to break the lysosome membrane, so that is called is the stabilizer. Example is clostridium. And labelizer, those substances which allow to break the organelle membrane is called as the labelizer. Examples, vitamin A, B, C, D, E, and UV rays and progesterone, etc.
अब लास्ट पार्ट क्या, दैट इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन कर लेते हैं, डाइजेशन ड्यू टू एंजाइम, नंबर वन फंक्शन है कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे थे ड्यू टू एंजाइम। और सेकंड, लाइसोसोम कैन हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस, हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। Metamorphosis, they can help in the autophagy, endocytosis, etc. So this is the function of the lysosome. So आज के जो हमारा topic था, this is lysosome, और ये point जो कि हमारे साथ ये ending है of the lysosome का. So dear student, अगर आप लोगों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके. Thank you.